सुपर फास्ट खबरों के बाद रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली से ये खबर आपको बता दें, किसान और सरकार के बीच वार्ता का दौर जारी है। बड़ी अपडेट ये है कि किसानों ने फिर सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। किसान लगातार कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने के बाद पहली चर्चा थी ये किसानों और सरकार के बीच, लेकिन एक बार फिर से सरकार का प्रस्ताव किसानों ने ठुकरा दिया है और किसानों की मांग है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। बताते चलें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कानून को लागू करने पर रोक लगाई है और आज नवे दौर की वार्ता चल रही है सरकार के साथ किसानों की, और एक बार फिर से प्रस्ताव मानने से किसानों ने इनकार कर दिया है, जिसके बाद एक बार फिर बैठक बेनतीजा निकलेगी ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो बड़ी अपडेट दिल्ली से आपको बता रहे हैं, किसान और सरकारों के बीच में बैठक चल रही है। किसानों ने एक बार फिर वही मुद्दा उठाया कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, जिस पर सरकार ने सहमति नहीं दी और सरकार ने प्रस्ताव पेश किया जिसको किसानों द्वारा ठुकरा दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त जो तीन कृषि कानून हैं उनके लागू होने पर रोक लगा दी है और एक कमेटी का गठन किया है, और वो कमेटी अब आगे क्या फैसला लेगी बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन किसान अपने आंदोलन को खत्म करने की बात पर जो है अभी सहमत नहीं है और अड़े हुए हैं कि आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच आज जो वार्ता हुई इसका भी अभी तक कोई भी निर्णय निकलता दिखाई नहीं दे रहा। शंकर सुमन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शंकर, आज की इस बैठक को अहम माना जा रहा था और आज की इस बैठक में भी अभी तक ऐसा लग रहा है कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए हिना कि आज की जो बैठक है हो रही थी सरकार और किसानों के बीच में, हम माना जा रहा था क्योंकि ये नौवें दौर की ये बैठक है, वार्ता है। हालांकि पिछली जो बैठक हुई थी वार्ता को भी काफी महत्वपूर्ण ही माना जा रहा था और कयास लगाया जा रहे थे कि शायद इसी बैठक में कोई इस किसान आंदोलन का हल निकल के सामने आ जाएगा। लेकिन देखें तो अभी दोनों तरफ से अपनी अपनी बातों पे एक तरह से देखें तो अड़िग नजर आ रहे हैं। वहीं पहले किसानों की अगर बात करें तो किसान लगातार अपनी एक ही जो मुख्य उनकी मांग है कि तीनों जो कृषि कानून है उसको निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए। वहीं दूसरी तरफ सरकार है वो बार बार कह रही है कि जो भी इनके सुझाव हैं हम उसको मानने को तैयार हैं, हर तरह से हम दिल खोल के इस वार्ता में शामिल होते हैं, लेकिन किसान को भी दो कदम आगे बढ़ना चाहिए। तो उस स्थिति में देखें ही ना तो अभी तत्काल जो अपडेट है कि अभी तक कुछ इसका परिणाम नहीं निकल के आ पाया है। 12 बजे से ही ये मीटिंग बैठक जो है लगातार जारी है, लेकिन अभी तक जो उम्मीद जताई जा रही थी कि इसका परिणाम निकलना चाहिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं निकल के बाहर सामने आ पाई है। हालांकि देखें सरकार की चिंता इस बात को भी लेकर है, जिस तरह से 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को लेकर किसानों ने ऐलान कर रखा है कि उनकी जो ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च है वो परेड में शामिल होगी, क्योंकि पहले ही उन्होंने झांकी दिखाई थी जिसको देखकर कहीं कहीं सरकार के माथे पे परेशानी का बल आया ही होगा। तो ये जाहिर सी बात है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, इस पे जो झांकी निकलती है परेड को पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि वो एक तरह से उस देश के लिए शक्ति प्रदर्शन है और हमारे देश का भी वो राष्ट्रीय त्यौहार है। और ऐसे में उस दिन अगर किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली परेड निकालने में कामयाब होते हैं और जिस तरह से वो लगातार इसकी तैयारी को भी दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार की फजीहत होगी, चिरगिरी होगी। अब ऐसे में है सरकार को भी दो कदम आगे बढ़ के इसका हल निकालना ही होगा, क्योंकि 26 जनवरी में अब कोई ज्यादा वक्त बचा नहीं है ना। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।